हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कलयुग में अवतरित हुई देवी पद्मावती और देवी भार्गवी को लेकर मनुष्यों के मन में बहुत सारा संदेह देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि देवी पद्मावती और देवी भार्गवी दोनों का विवाह स्वामी वेंकटेश्वरा से हुआ था, लेकिन ये वास्तव में सत्य नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देवी पद्मावती और देवी भार्गवी के जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल एक ग्वालन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम रहस्य है प्राकट्य का रहस्य। देवी पद्मावती आकाशा राजा के घर प्रकट हुई थी। देवी पद्मावती अपने जन्म काल से ही बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न थी। दोस्तों, देवी पद्मावती महालक्ष्मी का ही अंश मानी जाती है। देवी पद्मावती का जन्म ही श्रीनिवासा संग उनका विवाह हेतु हुआ था। जो देवी भार्गवी थी, ऋषि भृगु के घर अवतरित हुई थी। देवी भार्गवी का जन्म सतयुग के अंत में हुआ था और कई मत ऐसे बताते हैं, देवी भार्गवी का जन्म घोर कलयुग में हुआ था। पूर्व जन्म का रहस्य। दोस्तों, कहा जाता है कि देवी पद्मावती अपने पूर्व जन्म में वेदवती नाम से जानी जाती थी, जिनका जन्म सतयुग में हुआ था और वो वेदवती नाम से जानी जाती थी, जो श्रीहरि को पाने हेतु घोर तपस्या में लीन हो चुकी थी, लेकिन रावण के कारण उनको अपना देह का त्याग करना पड़ा था। छाया सीता के रूप में अवतरित होकर रावण के मृत्यु का कारण बनती है और राम काज में सहायता कर वरदान प्राप्त घोर कलयुग में उनसे विवाह करने हेतु पुनः पद्मावती के रूप में अवतरित होती है देवी भार्गवी। दोस्तों, देवी भार्गवी स्वयं साक्षात महालक्ष्मी थी। कहा जाता है, जब श्रीहरि विष्णु के वक्ष स्थल ऋषि भृगु ने लात मारा था, उस वक्त देवी लक्ष्मी ने समस्त ब्राह्मणों को ये श्राप दिया था कि वे ब्राह्मण के घर कभी नहीं आएंगी, लेकिन ऋषि भृगु के पश्चाताप और अनुग्रह के कारण उनकी पुत्री के रूप में देवी भार्गवी के रूप में देवी लक्ष्मी प्रकट होती है। विवाह का रहस्य। देवी पद्मावती का विवाह श्रीनिवासा के संग हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है देवी पद्मावती और श्रीनिवासा का विवाह एक प्रेम विवाह माना जाता है। विवाह से पूर्व ही श्रीनिवासा संग देवी पद्मावती का भेंट हो चुका था और उन दोनों में प्रेम भी उत्पन्न हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद ये शुभ प्रेम शुभ विवाह में परिवर्तित होता है। श्रीनिवासा की दो ही पत्नी, एक थी देवी पद्मावती और एक भूदेवी। देवी भार्गवी जब ऋषि भृगु के घर प्रकट हुई थी, उस वक्त विवाह के आयु होने पर नारायण उनको लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन दोस्तों, कहा जाता है उन्हीं दिनों देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे डाला था और जिस कारण संपूर्ण संसार श्रीहीन हो चुका और देवी भार्गवी भी समुद्र में चली गई थी। देवी भार्गवी को समुद्र में समाना पड़ा। उसके बाद देवी भार्गवी समुद्र से श्री रूप में बाहर आकर अपने अनंत स्वामी श्रीहरि से विवाह करती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी रहस्य है जहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है। देवी लक्ष्मी ऋषि भृगु के दिए श्राप के कारण इस धरती पर अवतरित हुई थी देवी भार्गवी के रूप में। वहीं देवी पद्मावती श्री राम के दिए वर के कारण वेदवती से पद्मावती के रूप में अवतरित हुई थी और उनको पति के रूप में प्राप्त किया था। देवी पद्मावती जहां महालक्ष्मी की एक अंश थी, वही देवी भार्गवी स्वयं श्री थी, स्वयं लक्ष्मी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय लक्ष्मी नारायण। मिलते हैं अगले वीडियो में।